जी हाँ दोस्तों, ये वो एक कैच है जिसने पूरे मैच को बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव का वो कैच जिसने डेविड मिलर को भी यहाँ पर हैरान कर दिया। आखिरी के 6 गेंदों पर चाहिए थे 16 रन और डेविड मिलर ने एक छक्का जड़ा था जिसको सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री लाइन पर पकड़ा और ऐसे में यहाँ पर पूरा मैच चेंज हो गया और डेविड मिलर खुद हैरान हो गए थे कि सूर्य कुमार यादव ने ये कैच कैसे पकड़ा। ये कह सकते हैं कि ये गेम चेंजिंग कैच ऑफ द मैच था और इसके बाद यहां पर भारतीय टीम आखिरी ओवर में जीत गई और इसी के साथ बारबाडोस में इंडिया ने झंडा लहरा दिया। जिस तरह जैसा ने बोला था कि बारबाडोस में इंडिया झंडा लहराएगा और इंडिया की टीम जीत गई। दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर भारत ने 17 साल बाद T20 विश्व कप अपने नाम किया है। तो दोस्तों भारतीय टीम के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कांग्रेचुलेशन जरूर लिख देना। दोस्तों जीत के बाद पूरी भारतीय टीम खुश नजर आ रही थी। रोहित शर्मा ने जीत के बाद मैदान में इंडियन फ्लैग लगाकर जीत का उद्घोष किया। वहीं पूरी भारतीय टीम नाचते हुए और गाते हुए काफी खुश दिखाई दे रही थी। पूरे मैदान का चक्कर लगाते हुए भारतीय टीम अपना जश्न मना रही थी। वहीं साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों की आंखों में गम के आंसू नजर आ रहे थे और भारतीय टीम की आंखों में खुशी के आंसू। तो दोस्तों भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिए। सूर्य कुमार ने आज ऐसा कारनामा किया है कि लोग सूर्य को इस कारनामे के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। आखिरी ओवर में जब साउथ अफ्रीका को 16 रन चाहिए थे तब मिलर ने एक जबरदस्त शॉट लगाया और सभी को लगा कि ये गेंद छक्के के लिए जा रही है, लेकिन उसी वक्त सूर्य दौड़ते हुए आए और उन्होंने ऐसा कैच लपका कि ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट होगा। गेंद छक्के के लिए जा रही थी, अंडर प्रेशर में गेंद को पकड़ के बाउंड्री लाइन के बाहर जाके फिर वापस आके कैच को लपका। इस कैच ने मैच को ही पलट दिया और भारत को 11 साल बाद ट्रॉफी जीतने में मदद की। सूर्य के इस जबरदस्त कैच पर आप क्या कहना चाहोगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो फाइनली गाइस टीम इंडिया ने एक बेहतरीन जीत ले ली और भाई हार्दिक पांड्या से लेके हर प्लेयर बहुत ज्यादा इमोशनल होता हुआ नजर आया और बिल्कुल ही नामुमकिन जीत इंडिया के नाम हो चुकी है। साउथ अफ्रीका को भाई हमने दफना दिया बहुत ही बेहतरीन खेले, मतलब आज तो बातों में शब्दों में बया ही नहीं पा रहा साउथ अफ्रीका की क्या हालत करी। मतलब लग रहा था एक वक्त क्योंकि भाई टीम इंडिया के हाथ से बिल्कुल चला गया, लेकिन हार्दिक पांड्या हो भाई क्या प्लेयर है ये बंदा। बुमराह, हरसदीप सिंह, हमारे बॉलरों ने हमें मैच जिता दिया भाई। सारे बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आए और भाई बहुत ही ज्यादा रो रहे हैं सबके सब और बिल्कुल इनको देखने के बाद तो अपने आंसू कंट्रोल ही नहीं हो पा रहे। मतलब हमारी टीम इंडिया वर्ल्ड कप फाइनली 10 साल बाद जीत गई है और 10 साल बाद जीतने के बाद हम इतना खुश हैं कि भाई मतलब कहा नहीं जा रहा है कि क्या बोले। मतलब यार बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई भाई, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लग रही थी कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाएगी और हार्दिक पांड्या ने बहुत कमाल कर दिया भाई साहब। टीम इंडिया, पूरी टीम इंडिया ने बहुत कमाल करा और ये देख के बहुत ही ज्यादा सुकून मिल गया।